नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि महिला आरक्षण बिल को लाने का फैसला जैसे ही मोदी सरकार ने किया है, इसके बाद विपक्ष में खलबली है। ऐसे में अब महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में INDIA गठबंधन का नेतृत्व सोनिया गांधी करेंगी और सरकार को घेरने का उन्होंने प्लान बना रखा है। तो कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी लोकसभा में विपक्ष और पार्टी की तरफ से महिला आरक्षण बिल पर बहस का नेतृत्व करेंगी, यानी वो लोकसभा में बोलेंगी। जानकारी के लिए बता दें कि महिला आरक्षण बिल को मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। सदन में बुधवार यानी आज उस विधेयक पर चर्चा होगी। सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी इस बिल के समर्थन में रही है, लेकिन वह इसे अपना बिल बता रही है। सोनिया गांधी ने मंगलवार को संसद परिसर में कहा कि यह अपना बिल है। उधर इंडिया गठबंधन बिल के खिलाफ वोट नहीं करेगा, वे महिला विरोधी नहीं दिखना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। किन मुद्दों पर घेरने की तैयारी है, जरा यह भी समझिए। यूपीए के राज्यसभा में पास बिल में महिला आरक्षण फौरन का लागू था, जबकि बीजेपी सरकार के बिल में पहले जनगणना परिमित सीमन के बाद 2019 में लागू हो सकेगा। यूपीए के राज्यसभा में पास बिल के राज्यसभा और विधान परिषद में भी महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान था, लेकिन बीजेपी सरकार के नए बिल में राज्यसभा और विधान परिषद में महिला आरक्षण को हटा दिया गया था। कोटे में कोटा की मांग जोर शोर से रखी जाएगी। हालांकि यूपीए सरकार के वक्त खुद कांग्रेस ओबीसी को आरक्षण देने का प्रस्ताव बिल में नहीं लाए थे। कांग्रेस ने अब सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक का हमने हमेशा से समर्थन किया। 2010 में राज्यसभा में कांग्रेस यूपीए सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पास करवाया था। राजनीति में जिस प्रकार SC ST वर्ग को संवैधानिक अवसर मिला, उसी प्रकार ओबीसी वर्ग की महिलाएं समेत सभी को इस विधेयक से समान मौका मिलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आज जो मोदी सरकार विधेयक लाई है, उसको गौर से देखिए की जरूरत है। विधेयक के मौजूदा प्ररूपा में लिखा है कि यह परिसीमन के बाद ही लागू किया जाएगा। इसका मतलब मोदी सरकार ने शायद 2029 तक महिला आरक्षण के दरवाजे बंद कर दिए हैं। बीजेपी को इस को स्पष्टीकरण देना चाहिए। संसद के विशेष सत्र का आज बुधवार तीसरा दिन है। दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो गई है। लोकसभा में सुबह 11 बजे से ही महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वदन विधेयक पर 7 घंटे तक अब डिबेट होगी और यह शाम 6 बजे तक चलने वाली है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाषण दे सकते हैं। कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी बहस को लीड करेगी। उन्होंने कहा कि यह राजीव गांधी कलाया बिल है। वहीं भाजपा की ओर से निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, दिया कुमारी अपनी बात रखेगी। इस बीच आंध्र प्रदेश की YSR कांग्रेस ने बिल को समर्थन देने का ऐलान जो है किया है। तो अब नई संसद में कामकाज के पहले दिन जो है बिल पेश हुआ, वो भी समझिए। नई संसद में कामकाज के पहले दिन यानी 29 सितंबर को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वदन विधेयक जो है वेश अब जो है पेश किया गया। इस बिल के मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। लोकसभा की 143 सीटों में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित होगी और ये रिजर्वेशन 15 साल तक रहेगा। इसके बाद संसद चाहे तो इसकी अवधि बढ़ा सकती है। विशेष सत्र के तीसरे दिन के बड़े अपडेट्स जो है वो भी समझिए, यानी आज की अगर हम बात करें तो INDIA गठबंधन के नेताओं ने मीटिंग कर महिला आरक्षण बिल को लेकर रणनीति बनाई है। आज राज्यसभा में चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर भी चर्चा की जाएगी। RJD, JDU, समाजवादी पार्टी और BSP समेत कई विपक्षी पार्टियों ने ओबीसी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने की मांग भी की है। भाजपा नेता उमा भारती और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी ओबीसी महिलाओं के लिए कोटा तय करने की जो है मांग की है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस बिल को महिला बेवकूफ बनाओ बिल बताया है। उन्होंने कहा कि इसे 2024 से पहले लागू करना चाहिए। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी और पी चिदम्बरम ने इस बिल को केंद्र सरकार का जुमला बताया है। परिसीमन के बाद ही लागू होगा बिल, क्योंकि नए विधेयक में सबसे बड़ा जो है पेच यही फंस रहा है। तो इसमें आपको बता दें कि यह है कि यह जो है डिलिमिशन यानी परिसीमन के बाद ही लागू होगा। परिसीमन इस विधेयक के पास होने के बाद होने वाली जनगणना के आधार पर होगा। 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले जनगणना और परिसीमन करीब करीब असंभव है। अब ऐसे में इस फॉर्मूला के मुताबिक विधानसभा और लोकसभा चुनाव समय पर हुए तो इस बार महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। यह 2019 के लोकसभा चुनाव या फिर इससे पहले के कुछ विधानसभा चुनाव में लागू हो सकता है। बिल पास होने से लोकसभा में 181 महिला सांसद होगी। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि अभी लोकसभा में 82 महिला सांसद है। इस बिल के पास होने के बाद 181 महिला सांसद हो जाएगी। यह आरक्षण सीधे चुने जाने वाले
वाले जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होगा, यानी राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा। 3 दशक से पेंडिंग जो है, ये कहा जा रहा है कि बिल पेंडिंग है। संसद में महिलाओं के आरक्षण का प्रस्ताव करीब 3 दशक से पेंडिंग है, ऐसा लगातार कहा जा रहा है। यह मुद्दा पहली बार 1974 में महिलाओं की स्थिति का आकलन करने वाली जो समिति है उनके द्वारा लाया गया था और उन्होंने इसे उठाया था। 2010 में मनमोहन सरकार ने राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिल को बहुमत से पारित करा दिया। लोकसभा में यह बिल पास नहीं हो पाया था। तब समाजवादी पार्टी और राजद ने बिल का विरोध करते हुए तत्कालीन यूपीए सरकार से समर्थन वापस लेने की धमकी दे दी थी। इसके बाद बिल को लोकसभा में पेश नहीं किया गया। तभी से जो है आप कहेंगे कि लोकसभा में जब ये बिल पेश नहीं हुआ तो ये जो है आप कहिए कि जब इस तरीके से ये बिल पेश नहीं हो पाते हैं तो ये लैप्स हो जाते हैं। इसे ही लेकर जब अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे तो गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उन्हें करेक्ट किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें करेक्ट करते हुए कहा, मेरे मुताबिक जब लोकसभा में ये पास नहीं हुआ उसकी अवधि खत्म हो गई तो बिल लैप्स हो गया है, और जब बिल लैप्स हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप कहें तो आप दूसरे जगह या यूं कहिए कि ऐसे सिचुएशन में आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी सरकार का किया हुआ है या हमारी सरकार ने कर दिया है। अगर इसके अलावा आपके पास कुछ डिटेल है, इसके अलावा आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट है तो आप वो पेश कर सकते हैं। बता दें आपको, महिलाओं के लिए राजनीतिक आरक्षण की मांग का टाइमलाइन भी काफी रहा है। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं के लिए राजनीति में आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। इसमें बेगम शाहनवाज और सरोजिनी नायडू जैसी नेताओं ने महिलाओं को पुरुष पर तरजीह देने के बजाय समाज राजनीतिक स्थिति की मांग पर जोर दिया था। संविधान सभा की बहसों में से भी महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। तब इसे यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि लोकतंत्र में खुद ब खुद सभी समूहों को प्रतिनिधित्व जो है मिलेगा। तो अब यही था। फिर 1947 में फ्रीडम फाइटर रेणुका रे ने उम्मीद जताई कि भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाली लोगों के सत्ता में आने के बाद महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की गारंटी दी जाएगी। हालांकि उम्मीद पूरी नहीं हुई और महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व समिति अब कहिए कि सीमित ही रह गया। 1971 में फिर भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति का गठन किया गया जिसमें महिलाओं की घटती राजनीतिक प्रतिनिधियों का प्रकाश डाला गया। हालांकि समिति के कई सदस्यों ने विधायी निकाय में महिलाओं के लिए आरक्षण का विरोध किया और उन्होंने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का समर्थन जो है किया। उसके बाद 1974 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए महिलाओं की स्थिति पर एक समिति ने शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में भी पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने की सिफारिश जो है की गई थी। यानी आप देखेंगे तो 1988 में भी फिर आया था महिलाओं के लिए राष्ट्रीय पर्यवेक्षक योजना, यानी नेशनल जो है परस्पेक्टिव प्लान की पंचायत स्तर में संसद तक महिलाओं का आरक्षण देने की सिफारिश से पंचायती राज संस्थानों और सभी राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण अनिवार्य करने वाले 73वें और 74वें संविधान संशोधनों की नींव रखी गई 1993। और इसी तरीके से अगर आप कहेंगे मनमोहन सरकार, इसके बाद अगर आप कहेंगे मोदी सरकार, जो ये बैक टू बैक चलता रहा। और ऐसे में एक पर्टिकुलर सरकार द्वारा अगर के लोगों द्वारा ये कहा जाना कि हमारे द्वारा इसे लाया गया था, ये हमारा है, ये अपना है, लेकिन जब तक ये पारित नहीं हुआ आपके सरकार में, एक टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में अगर नहीं हो पाया तो ये बिल लैप्स हो गया, जैसा कि गृहमंत्री अमित शाह ने भी कल बहुत क्लियर कर दिया था। और ऐसे में अगर ये लेकर आया जाता है, सरकार इसके लिए करती है, मोदी सरकार के दौरान अगर इसे लागू किया जाता है तो ये मोदी सरकार के काम में ही काउंट किया जाएगा। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है। महिला आरक्षण बिल पर आज विपक्षी गठबंधन INDIA का नेतृत्व जो है सोनिया गांधी जो है करने वाली है, और मोदी के मास्टर स्ट्रोक से सोनिया गांधी के भी अब होश उड़ चुके हैं। उन्हें लगा नहीं था कि मोदी सरकार इस ऐसे बिल को सामने लाकर रख देगी जो उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।